नमस्कार जी, आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रैक्टर को और रीपर को कैसे मैच करते हैं। ट्रैक्टर कोई सी कंपनी का हो, रीपर चाहे कौन सी कंपनी का हो, तो इन दोनों को मैच कैसे करना है और कौन सा जो पुली साइज है वो ट्रैक्टर के लिए बेस्ट रहेगा। आइए चलते हैं। सो बेसिकली आप देखेंगे तो ये रीपर है, तो रीपर में यहाँ पे इसकी इनपुट मिलती है जो ट्रैक्टर की पीडियो के साथ मिलती है, जहाँ पे पीडियो शाफ्ट लगती है। यहाँ पे इसका गेयर बॉक्स रहता है और ये दो पुलियाँ रहती हैं जिनकी अपना कैलकुलेशन करनी पड़ती है अपने को। तो नीचे वाली फ़ोटो में आप देखेंगे तो ये है पीडियो जहाँ से हमने ड्राइव देनी है, ये वाला गेयर बॉक्स मैंने बताया था यहाँ पे रहता है। ये साइड वाली पुली होगी ये, और ये थ्रेशर वाली पुली होगी। तो इसकी रेशियो कैसे निकालनी है, तो जो पीडियो शाफ्ट है, नॉर्मली ट्रैक्टर जो है 540 पीडियो आरपीएम में चलते हैं, इस शाफ्ट को अगर हम लोग इसका एक साइड व्यू बनाएं तो ये बन जाएगा। और जो ये रिपर वाली पुली है उसका साइड व्यू बनाएं तो एक ऐसे ये बन गया। तो अभी हमने कैलकुलेट करना है कि कौन सा गियर बॉक्स इस रिपर में लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि जो पीडियो शाफ्ट है इसके यहाँ पर एक मार्का लगा देना है, साइड में देखेंगे तो ऐसे मार्का लगा देना है, ऐसे ही इस पुली के ऊपर एक मार्का लगा देना है। आपने पीटीओ शाफ्ट को एक राउंड पूरा घुमाना है। तो यहाँ पे जब पूरा एक राउंड पीटीओ का घुमा, इसका एक राउंड पूरा घुमा, तो ये वाली जो पुली है ये कितना घूमी, अगर ये भी पूरा एक राउंड घूम के यहाँ पे रुक गई तो इसकी रेशियो है एक, अगर ये पुली यहाँ पे रुकी तो हो गई सवा, अगर ये पुली यहाँ पे रुकी तो 1.5, ये पुली यहाँ पे रुकी तो पौने दो, 1.75। अब ये आ गई रीपर के गियर बॉक्स की रेशियो, तो वो आपने कैलकुलेट कर ली जैसे अभी हमने डिस्कस किया है राउंड लगाकर चेक करके। अब आपको गियर बॉक्स से रीपर की रेशियो पता चल गई, तो फार्मूला क्या है पीटीओ अपना ये इसके ड्रम के आरपीएम निकालने का, पीटीओ आरपीएम मल्टीप्लाई बाय गियर रीपर गियर रेशियो इंटू गियर पुली डिवाइड बाय थ्रेशर पुली इज इक्वल्स टू ड्रम आरपीएम। पीटीओ आरपीएम ये वाले आरपीएम हो गए, रीपर गियर रेशियो इस गियर बॉक्स की रेशियो, या जो यहाँ पे गियर पर रुक रहा था उसकी रेशियो, और जो ये हमने कल करके रखी ये रेशियो ये हो गई। गियर पुली हो गई ये वाली, और इस फोटो में देखोगे तो ये वाली। थ्रेशर पुली जो है वो ये वाली पुली होगी, यहाँ पे देखोगे तो ये वाली पुली। ड्रम आरपीएम, ड्रम आरपीएम क्या है, जो इसके अंदर बड़ा थ्रेशर लगा हुआ जो इसके अंदर है, यहाँ पे फोटो में हमने बना रखा है ये ड्रम इसके आरपीएम। सो बेसिकली ये जो आरपीएम है तकरीबन 875 की रेंज में रहने चाहिए, 875 इसके बीच में आएंगे तो ट्रैक्टर ठीक चलेगा अपना। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को जरूरत पड़ेगी मोबाइल की। सो पीटीओ आरपीएम अपने पास है 540, ये रेशियो हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी पीटीओ अपना पीटीओ शाफ्ट के साथ मैचिंग करेंगे तो 1 आई है, तो 1 कर दिया। तो गियर पुली नॉर्मली क्या है, जैसे मार्केट में चलती है 14-9, 16-9, 14-10, 16-10 इस तरह से चलती है। तो इसमें भी एक चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, जो तो छोटी वाली पुली होती है वो होती है ये, तो ये किसी भी कंडीशन में 9 से नीचे नहीं करनी होती, क्योंकि जितना इसको आप डाउन करते जाएंगे उतना स्लिपेज के चांसेस बढ़ते जाएंगे जो बेल्ट स्लिप वाली होती है ऊपर। तो ये 9-10 ये साइज प्रेफर्ड है, जो भी आपने चेंजेस करने हैं वो बड़ी पुली में कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग करके देखें एक बार के लिए 14-9 ही पकड़ लेते हैं, 14-9 ये पुली हो तो क्या रहेगा, 540 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 9, तो ये आ गया जी आपका 840। सो 840 या हमने 850 बोला तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम है, तो इस कैलकुलेशन पे आप कर सकते हो। अगर हम सोच लें कि जो ये गियर बॉक्स है वो 1.25 का लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से चेक करें तो 540 × 1.25 × अगर सेम पुली के साथ चलें तो क्या रहेगा, 14 / 9, चेक करते हैं 540 × 1.25 × 14 / 9, तो ये आ रहे हैं 105।
50 जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया इसको मैक्सिमम आप इसको 9 से नीचे नहीं ले जा सकते, तो इस पुली को चेंज करके देखेंगे। सोलह से बढ़ रहा है तो ये कम जाएगा, कहाँ गया इसका, 14.9 को हम कर देते हैं जी 10.950। तेरह दस के हिसाब से 870, तो मैंने 850 से 875 बोला तो ऑलमोस्ट सही है। तो ये जो पुली साइज है ये वाला, तो 13.10 का बन जाएगा, तो 13.10 के हिसाब से 877 इतना ये रेशियो आ जाएगा, 540 × 1.25 × 13/10। सो बेसिकली मैंने ये बताया था 9 और 10 का साइज इसको ज़्यादा रखना है, इसको ज़्यादा मतलब 9 से नीचे नहीं लेके जाना, ऊपरी लेके जा रहे हैं तो कोई वाली बात है नहीं है। तो इस टाइप से आप जो है जो रिबर की पुली है उसका रेशियो जो है निकाल सकते हैं। थैंक यू।